हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, द रेड्स एंड द एलिफेंट. दिस इज़ द नेम ऑफ आर न्यू चैप्टर. फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द शॉर्ट स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, कि एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या हुआ. अब आपको पता ही है कि रेड्स आर स्मॉलर देन एलिफेंट्स. एलिफेंट्स कैसे होते हैं, बड़े से, मोटे से, बहुत हेवी होते हैं. लेकिन रेड्स कैसे होते हैं, छोटे से, नन्हे मुन्ने से, बच्चों की तरह एकदम छोटे छोटे होते हैं. तो एक बार क्या हुआ, एलिफेंट्स थे वो अपने ग्रुप में जंगल से निकल रहे थे. तो वहाँ पे क्या था, रेड्स का घर था. तो वो उन एलिफेंट्स की वजह से जो रेड्स का घर था वो क्या हो गया, टूट गए. और एलिफेंट्स की वजह से कुछ चूहे मर भी गए. तो इसीलिए जो चूहों का एक हेड था, हर किसी का एक हेड होता है, आपकी क्लास में भी एक मॉनिटर होता है, तो वैसे ही उन चूहों का भी एक हेड था. उसका नाम था मुशक राज. वो हाथी के पास, जो हाथी का लीडर था, उसके पास गया, गजराज के पास, और कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो हाथी है उनके ग्रुप को बोलिए कि आप कोई दूसरे रास्ते से होते हुए चले जाए, वरना क्या हो रहा है, हमारे जो घर हैं वो टूट रहे हैं और हमारे कुछ चूहे मर भी रहे हैं. तो ये बात सुन के जो एलिफेंट थे गजराज जी, वो उनकी बात मान गए. और देखो कितने काइंड थे, वो एक बार में उनकी रिक्वेस्ट मान गए और उन्होंने अपने लीडर्स, अपने साथियों के बोला कि आप दूसरी जगह से चले जाए. तो जैसे ही हाथी ने अपना रास्ता चेंज किया, तो चूहों ने खुश होकर उनको धन्यवाद कहा और बोला कि यस, वेन एवर यू नीड वी विल हेल्प यू, कि जब भी आपको ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे. तो एलिफेंट ये सुन के बहुत थोड़ा सा हंसने लग जाता है कि हम इतने बड़े, हम इतने ताकतवर, ये छोटे से हमारी क्या मदद करेंगे. लेकिन फिर भी बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. तो एक बार क्या होता है, अच्छा नेक्स्ट स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ के ही मैं आपको बताऊंगी. तब तक आपको इस चैप्टर में बने रहना है, डोंट लीव दिस चैप्टर इन मिडल ऑफ, ओके, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि लास्ट में क्या सस्पेंस रहा, कि क्या रेड्स ने कभी एलिफेंट्स की मदद की, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या एलिफेंट कभी जान पाए कि चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो हमें कभी भी किसी की भी मदद मिल सके. ये सारी चीज़ आपको चैप्टर के एंड में पता चलेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ओके. नाउ डोंट लीव. Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. बहुत बहुत दिनों पहले चूहों का ग्रुप, बहुत सारे चूहे जंगल में रहते हैं बहुत खुशी से. One day, a herd of elephant passed through that area in search of water. पानी पीने के लिए वो बहुत सारे herd of elephant का मतलब होता है elephant का झुंड, group. वो गुजर रहे थे पानी की तलाश में. मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फेट. वो बहुत मोटे होते हैं इसलिए बहुत सारे रेड्स का घर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. सम रेड्स वर ऑल्सो किल्ड, एंड कुछ रेड्स तो मर भी गए. द किंग्स ऑफ रेड्स मुशक राज वेंट टू द किंग्स ऑफ एलिफेंट्स गजराज एंड रिक्वेस्टेड टू हिम टू टेक हिज हर्ट थ्रू अनदर रूट्स टू द पॉन्ड. अब उन्होंने जो मुशक राज का लीडर कौन है, सॉरी रेड का लीडर कौन है, मुशक राज, वो किसके पास गए, हाथी के राजा के पास, किंग राज. और उनसे क्या बोला कि आप किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोलो अपने साथियों को. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड. यस, गजराज ने क्या बोला, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अपने साथियों को बोला कि आप पानी पीने के लिए किसी दूसरे रास्ते से होते हुए जाइए, जिससे रेड्स को क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो. मुशक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज. मुशक राज बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उन्होंने क्या किया, प्लीज़ किया, रिक्वेस्ट किया, कि वो खुश हो गए ना कि देखो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और प्लीज्ड विथ गजराज, और वो उस बात से सेटिस्फाइड हो गए. ही थैंक्ड हिम एंड प्रोमिस दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड. और उसने थैंक यू बोला और क्या प्रोमिस किया कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करने जरूर आएंगे. हियरिंग दिस द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रेड्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स. और वो एलिफेंट्स थोड़े क्या, अब जो ताकतवर होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, बड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा क्या आ जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है. वो क्या सोचने लगे, ये छोटा सा, ये मेरी क्या मदद करेगा. फिर भी उसने माना ठीक है कोई बात नहीं. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे वेन द रेड्स वर प्लेइंग दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड. एक दिन क्या हुआ, जब चूहे खेल रहे थे तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ सुनी कि एक हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और वो भी कहाँ से, उस तालाब के पास से आ रही है. मुशक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर,
और मुसुक राज ने क्या रियलाइज़ किया कि एलिफेंट्स पक्का किसी डेंजर में है, वो किसी प्रॉब्लम में है. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड. और मुसुक राज ने क्या किया, अपने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड थे, जो सबसे मजबूत थे, जो ताकतवर थे, जिनके दांत तिखे होते हैं और जो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया और बोला चलो हम उसी डायरेक्शन में चलते हैं जहाँ से ये आवाज़ आ रही है. नियर द पॉन्ड दे सो द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप. ट्रैप क्या होता है, जाल, कैप्ट बाय सम हंटर्स. उन्होंने क्या देखा, जैसे वो पॉन्ड के पास पहुँचे उन्होंने क्या देखा कि कुछ हंटर्स ने जाल बिछा रखा है और उसी जाल में हाथी फंस गए. द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रॉब्स विथ देयर शार्प टीथ. यस, रेड्स के शार्प टीथ होते हैं बहुत, वो अगर हमारे घर में भी घुस जाए तो हमारे सामान को काट देते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उस जाल को जल्दी से काटना शुरू कर दिया. सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री. थोड़ी देर में एलिफेंट्स क्या हो गए, उस ट्रैप से फ्री हो गए. दे थैंक द रेड्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज. और रेड्स ने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस. एंड और उन्होंने क्या बोला, सॉरी भी बोला, उन्होंने सॉरी फेल्ट किया, सॉरी बोला कि हमने, हमें माफ़ करो कि देखो हमने आप पे मजाक उड़ाया कि आप छोटी साइज के हो. तो ऐसा नहीं होता है. इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल शिक्षा मिल रही है, कि मॉरल वैल्यूज़ क्या है इसकी, कि यही है कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा समझना नहीं चाहिए. छोटा हुआ तो क्या हुआ, वो भी हमारी हेल्प कर सकता है. और चाहे बड़ा हो तो क्या हुआ, मीन्स सब इंसान अपने अलग अलग वे में अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है उनकी, वो कब चाहे कैसी मदद हमारी कर सकता है. यस, जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. एक होता है सुई, एक होती है हमारी तलवार. पावरफुल हम देखें तो क्या होता है, तलवार की, तलवार किसी को भी मार सकता है. लेकिन अगर किसी कपड़े को स्टिच करने की बारी आए तो कौन मदद करेगा, हमारी वो छोटी सी सुई मदद करेगी. तो इट मीन्स हमें किसी को भी छोटा या बड़ा या उसकी साइज़ से उनको जज नहीं करना चाहिए, उसकी क्वालिटी से, उसके गुणों से हमें उसको क्या करना चाहिए, जज करना चाहिए. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर स्टूडेंट. यू विल रीड योर चैप्टर एट होम टू टाइम्स सो दैट यू कैन इंक्रीज एंड यू कैन डेवलप अ रीडिंग स्किल इन योर सेल्फ. आपको रीडिंग करना है अगर आपको अच्छा रीडर बनना है तो.